यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी व अभद्रता के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौसा कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम शर्मा ने बताया कि यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा के मामले में महासचिव प्रियंका गांधी मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ आक्रोश जताया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना, पार्षद सियाराम सत्तावन, मुकेश नारनिया मौजूद रहे। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों का शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा था, लेकिन वहाँ जो है बीजेपी के जो मंत्री का एक पुत्र था और एक योगी जो उप मुख्यमंत्री मौर्य था, उन्होंने गाड़ी से बैठे हुए किसानों पर उनको कुचल दिया गया, जिसमें आठ तो चार किसान मारे गए और चार अन्य लोग मारे गए। जब उनको सांत्वना देने के लिए और उनके परिवार को से मिलने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए जब हमारी नेता प्रियंका गांधी और हमारे कांग्रेस के कई नेता उनसे मिलने जा रहे थे, तो उनको बिना वजह गिरफ्तार कर लिया। यह लोकतंत्र नहीं है। वो कोई लड़ाई लड़ने आंदोलन करने थोड़ी जा रही थी, वो तो एक सांत्वना देने के लिए जा रही थी। उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। इस तरह का आप ये अभद्रतापूर्ण व्यवहार देख रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद हमने ही नहीं, हमारे पूर्वज भी जो कांग्रेस में रहे उन्होंने आज तक के इतिहास में ये सब नहीं देखा होगा। प्रियंका गांधी जी वहाँ की प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो प्रभारी होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता था कि जो भी किसानों के साथ कुठारघात किया गया और अत्याचार किया गया उसके लिए वो सिर्फ सांत्वना देने जा रही थी। ऑथेंटिक लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत ना तो कोई उनके पास में वो अरेस्ट वारंट थे, ना उनके पास कोई कागजात थे, और रात को उनके साथ जिस तरह की हाथापाई हुई है, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने सारे वीडियो वायरल देखे ही हैं, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह का अमान्य व्यवहार एक महिला के साथ में और इस तरह की जो कुठारघात नीतियां वहां की जा रही हैं, हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि प्रियंका गांधी जी को जल्द से जल्द रिहा करें।